टेक्नो मोबाइल इंडिया में लॉन्च कर चुका है टेक्नो स्पार्क पावर 2। ये एक मिड रेंज बजट सेगमेंट स्मार्टफोन है दोस्तों, कुछ बेहतरीन फीचर के साथ और ग्रेट स्पेसिफिकेशंस के साथ ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्तों टेक्नो स्पार्क पावर 2 के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और हर वो डिटेल्स डिस्कस का टॉपिक है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अंत तक देखें। कुछ रिसर्च मैंने टेक्नो स्पार्क पावर 2 के प्रोसेसर के ऊपर भी किया है, क्या सपोर्ट करता है, किस तरह आपको धोखा दिया जाता है अगर दिया जाता है, तो वो भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा दोस्तों। तो नो मो वेस्ट ऑफ टाइम, वीडियो को शुरू कर लेता हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले ही जो मैं कहता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अंत तक, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, पास ये देखिए घंटा बटन है उसको दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के बारे में और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सीधा सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए टेक्नो स्पार्क पावर 2 के जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है पहले वो जान लेते हैं। यहां जैसे कि आपको डिस्प्ले में आपको एक 7 इंच का IPS HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा। इसका पिक्सल रेजोल्यूशन होगा 720x1640 pixels। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की अगर बात करें तो 90.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिल रहा है दोस्तों। उसी के साथ साथ आपको 7 इंचेस का बिग डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये एक फायदे वाली चीज है। अगर इस मोबाइल में यूज किया हुआ प्रोसेसर की बात करें तो ये आपको मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर मिल रहा है। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, ये 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों। इसका क्लॉक स्पीड है 2 GHz। ये एक पावर एफिशिएंट मिड रेंज प्रोसेसर है। रैम और स्टोरेज वेरियंट की अगर बात करें तो आपको 4GB का रैम, उसी के साथ साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं वाया माइक्रो SD 256GB तक। अब टेक्नो स्पार्क पावर 2 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया गया है, आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्टेबिलिटी मिल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ जो आपको कैमरा सपोर्टेबिलिटी मिलेगा दोस्तों, रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा विथ फ्लैश लाइट। यहाँ जो क्वाड कैमरा सेटअप होगा, प्राइमरी सेंसर आपको 16 MP का मिलेगा, फिर 5 MP, फिर 2 MP, उसी के साथ साथ आपको एक AI सेंसर भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ हीलियो P22 को यूज किया गया है। ये प्रोसेसर मैक्सिमम 13+8 MP को सपोर्ट कर सकता है, अगर सिंगल सेंसर यूज किया जाता है तो 21 MP को सपोर्ट करता है। तो ये कंपनी किस तरह आपको रियर साइड में क्वाड कैमरा दे रहा है ये मुझे पता नहीं है दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। अगर इस स्मार्टफोन में बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ आपको एक बिग बैटरी मिल रहा है दोस्तों, 6000 mAh। उसी के साथ साथ 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्टेबिलिटी मिलेगा। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, ये माइक्रो USB से चार्ज होगा, 1 घंटे में आप 50% चार्ज कर सकते हैं 6000 mAh बैटरी को। इसी तरह का कुछ दावा किया गया है कंपनी के द्वारा। अब चलिए बात कर लेते हैं टेक्नो स्पार्क पावर 2 के कनेक्टिविटी ऑप्शन के बारे में। यहां आपको डुअल नैनो सिम सपोर्टेबिलिटी विद 4G वोल्टी मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप सेम स्लॉट में माइक्रो SD कार्ड को लगा सकते हैं, मतलब ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ वाईफाई सपोर्टेबिलिटी तो मिलेगा ही, उसी के साथ साथ ब्लूटूथ वर्षन 5.0 का मिल रहा है दोस्तों। यहाँ आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को भी मिलेगा। अब बात करते हैं टेक्नो स्पार्क पावर 2 के कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे कि आपको रियर साइड में एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, यहाँ आपको फेस ID देखने को मिलेगा, यहाँ आपको DAC ऑडियो टेक्नोलॉजी मिल रहा है दोस्तों, आपको स्टीरियो लाउड स्पीकर भी मिल जाएगा। और कुछ फीचर्स स्पार्क पावर 2 में आपको मिलने वाले हैं, रियर साइड का जो कैमरा होगा वहां भी आपको लेड फ्लैश मिल जाएगा, और फ्रंट शूटर जो 16 MP होगा वहां भी आपको लेड फ्लैश मिल जाएगा, और यहां आप FM रेडियो को भी चला सकते हैं। अब आखिर में टेक्नो स्पार्क पावर 2 के कलर वेरिएंट दोस्तों, आपको एक ग्रीन का वेरिएंट मिलेगा, उसी के साथ साथ ग्रे वेरिएंट मिलेगा। ये कलर थोड़ा सा पिक्यूलियर सा प्रोनाउंस करता है, मैं स्क्रीन में लिख दूंगा दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। अब इस मिड रेंज बजट स्मार्टफोन का डायमेंशन आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, और इसका वेट होने वाला है 220 grams। टेक्नो स्पार्क पावर 2 के प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये आपको 9,999 rupees में Flipkart में 23rd से इंडिया में मिलने वाले हैं। अब आखिर में टेक्नो स्पार्क पावर 2 के बारे में मेरा ओपिनियन दोस्तों, यह आपको बिग बैटरी मिल रहा है, बिग डिस्प्ले मिल रहा है, तो अगर आप सिंपली वीडियो को या मल्टीमीडिया को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये मोबाइल आप खरीद सकते हैं। अगर आपका प्रायोरिटी है कैमरा, उसी के साथ साथ गेम, तो ये मोबाइल आप ना खरीदें, क्योंकि यह जो प्रोसेसर को यूज किया गया है, जो कैमरा सेटअप आपको दिया गया है, यहाँ थोड़ा सा झोल है। मैं आपको कहता हूं हीलियो P22 आप टाइप कीजिएगा, आपको मीडियाटेक का सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो होप दोस्तों टेक्नो स्पार्क पावर 2 के जो रिव्यू या प्राइस डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो मैंने आपको बताया आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर है तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में इसको जरूर शेयर करें। चलिए यहीं पे वीडियो को कंक्लूड करता हूं भाई, इसी तरह के इंफॉर्मेशन लेके और कोई दिन और कोई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। चलिए भाई।